What's up, people? Welcome to another vlog. So this time I am at GR TVS and I am going to review TVS Raider 125cc in this video. So guys, if you have any queries regarding any TVS bike, you can directly visit GR TVS or you can just contact them. I'll mention the contact number and the address in the description. So let's just quickly do a walk around of this TVS Raider. Before that, ek bar showroom visit kar lete hain, showroom dekh lete hain ki kaisa showroom hai. Apne hi bhai hai, unka showroom hai, Siddhant bhai ka. तो शोरूम देखेंगे अपन लोग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वॉक अराउंड पूरा जो भी बाइक का है. और एनीवेज, फॉर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं इसी तरीके से टीवीएस की अभी राइडर स्टार्ट करा है तो और भी हम लोग की वीडियो स्टार्ट करेंगे. सो ये पूरे शोरूम है अपने सिद्धांत भाई का. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी टीवीएस बाइक, जस्ट लाइक जुपिटर, एक्टिवा, वॉट एवर यू वॉन्ट, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कम टू द शोरूम एंड विजिट, टेस्ट ड्राइव, टेक अ टेस्ट ड्राइव एंड वॉट एवर यू वॉन्ट. So let's quickly get started. So guys, this is Raider 125cc TVS की. Last time भी TVS ने 125cc की bikes निकाली थी, but TVS ज़्यादा success नहीं हो पाई थी. But right now Indian markets में 125cc की bikes की काफ़ी ज़्यादा demand है. तो इसको देखते हुए TVS ने Raider 125cc bike को launch करा है. तो ये bike है, आज हम इसका एक detailed walk around करेंगे कि क्या features दे रखे हैं bike में, उसके साथ क्या dimensions है, क्या engine capacity है, और वो जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट में देख लेते हैं बाइक में क्या मिलेगा आपको. तो फ्रंट में सबसे ऊपर आपको यहाँ पर TVS का लोगो मिलेगा जो कि कैपिटल बोल्ड लेटर्स में रिटन है. उसके नीचे यहाँ पर कुछ स्पेस नंबर प्लेट के लिए और यहाँ पर राइडर डिनोट करने के लिए कि दिस इज़ राइडर 125cc. टर्न इंडिकेटर से टर्न इंडिकेटर जस्ट लाइक अपाचे 160 में जो टर्न इंडिकेटर्स मिलते थे, जो डिज़ाइन दे रखी है वो सेम डिज़ाइन आपको इसमें भी मिलेगी. फ्रंट LED DRLs दे रखी है इसमें, उसके साथ ही ये फ्रंट DRLs है, उसके साथ ही LED इसमें हेडलैम्प्स दे रखी हैं, अप बीम, लो बीम दोनों ही. जो इसका कुछ लुक है फ्रंट का हम देख सकते हैं, तो कुछ कुछ हम एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि MT-15 जैसा दिया गया है, क्योंकि ये जो लाइट्स ऐसे हम लोग स्टार्ट करने के बाद हेडलाइट्स ऑन करेंगे तो कुछ MT-15 जैसा लुक मिलेगा आपको. ये लो बीम है, ये वाली अप बीम है. यहाँ पर जो फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हैं, तो टेलीस्कोपिक फॉक फ्रंट सस्पेंशन मिलेंगे इसमें. ये टेलीस्कोपिक फॉक फ्रंट सस्पेंशन है और ये ब्लू कलर में वेरिएंट है. इसके अलावा इसमें रेड कलर भी अवेलेबल है, जो बहुत आई कैचिंग कलर लगता है. रेड कलर और ब्लू दोनों ही बहुत आई कैचिंग कलर लगते हैं. सो ये फ्रंट टायर है इसमें, जो कि अलॉय व्हील्स दे रखे हैं. फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा. ABS इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि TVS का ये कहना था कि बाइक की उनको कॉस्ट कटिंग करनी थी बाइक में, उसके साथ ही ABS का 125cc की बाइक में रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा 125cc को, मतलब जो स्पीड होगी वो थ्रॉटल और वो सारी चीज़ें नहीं कोई करेगा 125cc की बाइक में, इसलिए TVS ने इसकी कॉस्ट कटिंग करते हुए इसमें से ABS हटा दिया. सो ये इसका फ्रंट टायर है बाइक का. एक बार देख लेते हैं कि फ्रंट टायर की डायमेंशंस क्या. देख, सो दिस इज़ द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक, जो कि टायर साइज है इसका 80x100 के 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स दे रखे हैं फ्रंट में. और रियर टायर की भी हम लोग बात करेंगे एक बार. उसके अलावा साइड प्रोफाइल में यहाँ पर जो लोगो है TVS का, वो न्यू लोगो है, जो अपाचे की सीरीज़ में भी अब यही वाला लोगो आ रहा है, सेम आपको लोगो मिलेगा. ये कुछ किल स्विच नहीं है यहाँ पर. इको मोड और पावर मोड, अलग अलग मोड, डिफरेंट मोड दे रखे हैं, मैं वो भी बताऊँगा कब आप चेंज कर सकते हैं सेल्फ स्टार्ट करने के लिए. ये प्रॉपर एक्सीलेटर, यहाँ जो लीवर दे रखे हैं ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल नहीं है ब्रेक लीवर, बट इसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक कट दे रखा है, जैसे कभी भी बाइक अगर गिरती है या कुछ होता है तो उस केस में यहीं से ब्रेक होगा, जिससे कि आप इजी गोइंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. यहाँ वही ऑयल. इस तरीके से कुछ की है बाइक की, देखिए जो अपाचे में भी आपको RR310 अगर आप लेंगे TVS अपाचे, तो उसमें भी सेम आपको यही की मिलेगी RR310 में इस डिज़ाइन की. लेफ्ट साइड में कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं, जस्ट लाइक फॉर द लो बीम, अप बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर्स एंड फॉर द हॉर्न एज वेल. ये फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एक बार देख लेते हैं. ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. इसमें यहाँ पर आपको हेलमेट का इंडिकेशन भी दे रखा है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज हेलमेट इज़ मस्ट इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक. उसके बाद यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर है, जो कि डिजिटल है. एवरीथिंग इज़ डिजिटल. क्लॉक है, RPM मीटर है, ट्रिप है. इसमें ट्रिप भी 3 ट्रिप दे रखी है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, AB. उसके ट्रिप सी जो है जब आपकी बाइक रिजर्व में लग जाती है उसके बाद, या मतलब जो इसका इग्निशन आने लगती है पेट्रोल की, पेट्रोल कम है, उससे ट्रिप 3 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है कि बाइक जब तक आपका रहेगा तब तक ट्रिप चलती रहेगी, मतलब जब तक आपने कितना पेट्रोल कंज्यूम कर लिया उस पर्टिकुलर ब्लिंक होने के बाद से. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एडवांस फीचर्स दे रखे हैं बाइक में. यहाँ आपको USB चार्जिंग का मिलेगा. इस बाइक में सिर्फ डिस्क वेरिएंट ही अवेलेबल है, ड्रम वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं है. अब जैसे हम लोगों को स्टार्ट करके अगर मोड चेंज करने होते हैं, तो मोड चेंज करने के लिए इको मोड, पावर मोड है,
जो माइलेज है बाइक का अप्रॉक्स 50 किलोमीटर पर लीटर वो आपको इको मोड में मिलेगा। अप्रॉक्स है ये भी 50 से हो सकता है, 55 भी जा सकता है और थोड़ा 50 से कम भी हो सकता है। अगर आपको बाइक को पावर मोड में करना है, थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए, तो आपको एक्सीलेटर डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने के बाद फिर पावर मोड पर करना पड़ेगा, देन आपको एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि इको मोड में ही कंटिन्यूसली आप पावर मोड स्विच कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं एप्लीकेबल रहेगी। 8 किलोमीटर्स रनिंग है बाइक की ऑलरेडी। फ्यूल टैंक इसमें 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। कंपनी का जो कहना है कि माइलेज देगी, कंपनी जो बोलते हैं 60 किलोमीटर पर लीटर का देगी, लेकिन ऑन एन एवरेज रियल टाइम अगर हम देखें तो माइलेज जो मिलेगा बाइक का 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा अप्रॉक्सीमेट बाइक में। यहाँ पर अगेन राइडर लिखा हुआ है जस्ट बिकॉज ये बताने के लिए कि राइडर है। और बाकी इंजन यहाँ पर है, इसमें ऑयल कूल्ड इंजन दे रखे, एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड इंजन दे रखे। यहाँ कुछ गार्ड्स हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बाइक को। ये अगेन वो जो ब्रेक एंड फुटरेस्ट है पीछे साइड में भी, ये कुछ साइलेंसर, अभी एग्जॉस्ट नोट भी हम लोग सुनेंगे बाइक का। उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे को पर्सनली लगी बाइक में कि स्प्लिट सीट दे रखी है। स्प्लिट सीट के दो रीजन से, एक तो स्प्लिट सीट थोड़ा डिज़ाइन अच्छी करने के लिए, तो बाइक को एक लग रही है कि हाई सेगमेंट की बाइक है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो कोई कह नहीं सकता बाइक को कि 125 सीसी की बाइक है, हर कोई यही कहेगा कि बाइक किसी अच्छे सीसी की और काफ़ी पावरफुल बाइक है क्योंकि जिस हिसाब से स्प्लिट सीट दे रखी है। लेकिन इसमें ऐसे ग्रैबरल से, अगर ये ग्रैबरल्स यहाँ से हट जाते, ब्रेक हो जाते जस्ट लाइक अपाचे में, तो शायद थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लुक मिल सकता था बाइक को। उसके साथ दूसरा रीज़न ये था कि इंडिया में क्या होता है, मोस्टली नहीं बोलेंगे, इंडिया में काफ़ी सारे होते हैं कि तीन लोग ट्रिपलिंग करके आते, तो तीन लोगों के लिए ट्रिपलिंग के लिए उन लोगों को दिक्कत हो सकती है इस बाइक में, क्योंकि ट्रिपलिंग के लिए आपको यहाँ पर स्प्लिट सीट मिलती है। लेकिन अगर दो लोग जा रहे हैं तो बहुत ईजी गोइंग में कम्फर्टेबल होकर के आप जा सकते हैं। एक बार रियर LED टेल लाइट्स की बात कर लेते हैं। इसमें रियर में LED टेल लाइट्स ये रखी हैं, ये रियर LED टेल लाइट्स है। यहाँ पर एक वो है स्पेस बूट कह सकते हैं हम लोग, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस सीट हट जाती है यहाँ से लॉक खोलने पर और फिर बूट ओपन हो जाता है इसका। दीज आर द टर्न इंडिकेटर्स अगेन, और यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगी नंबर प्लेट के लिए। लेफ्ट साइड आएंगे हम तो लेफ्ट साइड में ये प्रॉपर जो दे रखा है लेडीज़ के लिए जो दे रखा है, एक तरीके से बोलते हैं प्रोटेक्टर गार्ड कह सकते हैं, गार्ड है यहाँ पर। और ये कुछ गियर बॉक्स है, 5-speed ट्रांसमिशन है इसके अंदर। यहाँ पर ये जो दे रखा है FIE सिस्टम दे रखा है। FIE का एक चीज़ और मेंशन है उसका, कि मतलब होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है कि इसमें एक टेक्नोलॉजी और है। जैसे आप लोग जस्ट लाइक ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक में आपको बाइक को अगर बंद करें तो क्लच दबा जाए बाइक बंद हो जाएगी, एंड देन जब आप एक्सीलेटर लेंगे तो बाइक ऑटोमेटिक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वो टेक्नोलॉजी भी इस बाइक में दे रखी है। उसके साथ अब हम लोग बात कर लेंगे एक बार इंजन स्पेसिफिकेशन की बाइक के। 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दे रखा है जो कि 11.2 BHP की पावर जनरेट करता है। उसके साथ ही जो 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। BS6 इंजन दे रखा है इसमें जो कि ऑयल एंड लिक्विड कूल दोनों ही सिस्टम है, एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड दोनों ही है। और वेट मल्टीप्लेट इसमें क्लच सिस्टम दे रखा है FIE के साथ। और फ्यूल टैंक इसमें जो है 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, 11 नहीं है, 10 लीटर्स का टोटल फ्यूल टैंक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द TVS राइडर 125 सीसी बाइक। सो एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेंगे हम लोग TVS राइडर 125 का, जो बहुत ही साइलेंटली बाइक स्टार्ट होती है। अब एक बार एग्जॉस्ट सुन लेंगे हम लोग बाइक का। Guys, just let me know in the comment section that how's the video, and if you like this video, don't forget to subscribe my channel. And if you have any queries regarding this bike, just follow me on my Instagram and just ping me there so that I could resolve your queries if you have any queries regarding this bike. And the ex-showroom price of this bike is around 86,000 if you are going to buy this bike on road in Agra. So the cost will be around 1.04 lakh rupees. So this is all about TVS Raider 125, and I am at right now GR Automotive, GR TVS basically.